जालना लोकसभा निवडणुकीमध्ये उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या वतीनं लॅपटॉप कम्प्युटर प्रिंटर आणि स्कॅनर बाबत काढण्यात आलेल्या निविदा बोगस असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते गोविंद खंडेलवाल यांनी केलाय. या प्रकरणात माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनंतर त्यांनी थेट तालुका जालना पोलीस स्टेशन येथे संबंधिताविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी देखील केली आहे. उपजिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात घोटाळा झाल्याचा तुमचा आरोप आहे. या संदर्भात तुम्ही तालुका पोलीस स्टेशन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना देखील पत्र व्यवहार केलेला आहे. नेमकं काय प्रकरण आहे आणि तुमची मागणी काय? निवडणूक विभागने जो लॅपटॉप खरेदी किया आहे, 17 लॅपटॉप का टेंडर निकला होता, वो लॅपटॉप में घोटाला होयला आहे. जो भी उनका ये होया रहा है, टेंडर के अंदर वो थोड़ा घोटाला होयला आहे. वो घोटाला देखने के लिए मैंने माहिती के अधिकार के इसमें एप्लीकेशन दिया था. एप्लीकेशन के बाद में जो पेपर्स मेरे को मिले वहाँ से, तो जो मान्यता मिलती है सबसे पहले टेंडर करने के लिए, प्रशासकीय मान्यता जो थी, तो ये उसमें डेट आ रही है 14 फरवरी 2024, और उसके पहले ही इन्होंने टेंडर जेम पोर्टल पे डाल दिए थे 22 जनवरी 2024 को, एक महीना पहले. और उसके बाद में क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई इन्होंने किए 29 जनवरी 2024 को. उसके बाद में इसमें क्लियर दिख के आ रहा है कि ये कर सकते ही नहीं, जब मान्यता मिलने के पहले टेंडर डाल सकते ही नहीं. तो इन्होंने क्या किया, ये पूरा जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या है, ये जो भी मिले आ रहा है सुमो कॉम सिस्टम का जो है, ये इन्होंने कुछ पैसे दे के कुछ किया है क्या आपके साथ में, किसके साथ कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, पूरा पतापास करने के लिए मैंने SP ऑफिस, उसके बाद में कलेक्टर ऑफिस और तालुका पुलिस स्टेशन में सबमिट किया है. अभी यहाँ से आगे उन्होंने अगर नहीं ये किए तो फिर मैं उपोषण करूँगा, वो भी नहीं हुआ तो फिर उसके बाद भी कोर्ट में भी सबमिट करने वाला हूँ. वकील साहब से बात भी हुई मेरी. आपका नाम? और गोविंद हरिप्रसाद खंडेलवाल.